सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वाटर एनालिसिस और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वाटर एनालिसिस से संबंधित जानकारी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं वाटर एनालिसिस चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको पीएच के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आप सभी ने पीएच का नाम तो सुना होगा। पीएच जो होता है किसी भी सॉल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत मायने रखता है। पीएच जो होता है वो ये दर्शाता है कि कोई सा भी विलयन या पानी कितना अम्ली है या क्षारीय है, यानी कितना अल्कलाइन है या कितना एसिडिक है। दोस्तों, पीएच ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल होती है जो संख्या में 1 से लगाकर 14 तक होती हैं, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। दोस्तों, पीएच मापने के लिए हम 2 मीटर का जो है उपयोग करते हैं। पीएच मापने के लिए हम एक पीएच मीटर, जो एक बेसिक पीएच मीटर है, उसका उपयोग किया जाता है और एक यूनिवर्सल इसके द्वारा भी हम पीएच का जो है मापन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको पीएच मीटर से कैसे पीएच ज्ञात करते हैं वो बताता हूँ। तो दोस्तों, ये एक बेसिक पीएच मीटर है, मैं आपको थोड़ा नज़दीक से बता देता हूँ। ये दोस्तों, ये पीएच मीटर है जो एसी करंट सप्लाई से जो है चालू होता है और इसमें एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, जिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से हम पीएच जो है वो ज्ञात करते हैं। दोस्तों, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, शायद आपको दिख रहा होगा जी। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वो हाइड्रोजन आयन्स के काउंट करने के ऊपर आपको पीएच की मात्रा बताता है। तो दोस्तों, पीएच मीटर का एक बेसिक फंडा होता है जो आपको मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज मैं केवल पीएच को एनालिसिस कैसे करते हैं, पीएच की मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए मैं आपको पीएच मीटर से पीएच मापन बताता हूं। दोस्तों, पीएच ज्ञात करने के लिए हमें वाटर सैंपल की ज़रूरत होती है 100 ml। ये हमारे पास वाटर सैंपल वाटर कैन है, इसमें मैंने एक सैंपल लिया हुआ है। उस सैंपल का मैं आपको पीएच ज्ञात करके बताऊंगा। उससे पहले मैं पीएच के बारे में आपको कुछ बता देता हूं। दोस्तों, पीएच जो होता है वो पीएच स्केल होती है जिसपे इसका ज्ञात किया जाता है 1 से लगाकर 14 तक। दोस्तों, 1 जो नंबर होता है वो बहुत ही एसिडिक होता है और जो 14 होता है वो बहुत 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 ज़्यादा बेस होता है या एल्कलाइन होता है। तो एल्कलाइन या एसिडिक होना पीएच के मान पर निर्भर करता है, जो कि आपके पानी की मात्रा का निर्धारण करता है। और पीएच जो है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन से बोलते हैं, तो पीएच एक ऐसी वैल्यू जो आपके पानी की क्वालिटी निर्धारण करती है। तो पीएच में सामान्यतः हाइड्रोजन आयन्स की पावर को ज्ञात किया जाता है, मतलब कितने हाइड्रोजन आयन्स आपके पानी में प्रेजेंट है, ये निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, पीएच ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये पीएच मीटर है। पीएच ज्ञात करने के लिए इसको स्विच ऑन करेंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट इसको वार्म अप का समय देते हैं। जब ये वार्म अप पूरी तरीके से वार्म अप हो जाता है, देन इसका कैलिब्रेशन किया जाता है। कैलिब्रेशन करने के लिए एटलीस्ट 2 बफर सॉल्यूशंस की अपने को जरूरत होती है। एक होता है पीएच 7 बफर्स, पीएच 4 बफर्स और पीएच 9 बफर्स। जिन 3 पीएच की सहायता से, बफर सॉल्यूशंस की सहायता से इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम कैलिब्रेट करते हैं। तो उस कैलिब्रेशन को मैं आपको एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन आप फिलहाल मैं आपको एक साधारण तरीके से पीएच कैसे ज्ञात करते हैं मैं आपको उस वीडियो में बताता हूं। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन ये है, हमारे पास ये वाटर सैंपल है। और तो दोस्तों, इस वाटर सैंपल का हम पीएच ज्ञात करेंगे, ये कितना एल्कलाइन है या एसिडिक है, इसको ज्ञात करने के लिए हम ये 100 ml का जो 200 ml का हमारे पास बीकर है, इस बीकर में हम इस सैंपल को लेंगे। इस सैंपल को हम बोतल को थोड़ा मिक्सअप करके इसमें डाल देते हैं। दोस्तों, सैंपल की जो मात्रा कम से कम 100 ml होना चाहिए। 100 ml बीकर में निकालने के बाद में हम इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम वॉश करेंगे स्लोअर से वॉश करेंगे और इसके बाद में हम इस टिश्यू पेपर से इसको साफ कर लेंगे। दोस्तों बहुत सेंसिटिव होता है ये हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रोड जो है बहुत सेंसिटिव होता है, इसको बहुत केयरफुली रखना पड़ता है। देन इसके बाद हम इस इलेक्ट्रोड को सीधा डीप करेंगे इस वाटर सैंपल के अंदर। 200 पीएच मीटर के बारे में थोड़ा बता देता हूं आपको। पीएच मीटर जो है वो एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर आयन जो पानी में हाइड्रोजन आयन उपस्थित हैं उसके अनुसार ये अपना काम करता है और जो एक स्लोप क्रिएट करता है उस स्लोप के हिसाब से अकॉर्डिंग ये पीएच को ज्ञात करता है और बताता है। वो एटलीस्ट मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से काम करता है। तो इसमें चार नोब दी हुई हैं। चार नोब में फर्स्ट जो नोब है दिख रही है आपको ये वाली, ये फंक्शन की है। ये फंक्शन की स्क्रीन तीन मोड पे काम करती है। पहला मोड जो है इसमें पीएच मोड है, दूसरा मिलीवोल्ट्स है और तीसरा स्टैंडबाय मोड्स है। ये पीएच मोड्स में हम पीएच देखने के लिए इसको मोड सिलेक्शन पीएच पे रखना पड़ेगा। उसके बाद में ये डिस्प्ले जो दी हुई है आपको, इस डिस्प्ले में आपको डायरेक्टली इस सॉल्यूशन का, इस वाटर सैंपल का आपको पीएच इधर दिख जाएगा। तो ये डिजिटल डिस्प्ले है, ये डिजिटल डिस्प्ले आपको सीधा डायरेक्टली आपको जो है पीएच इसका बता देगी। उसके बाद सेकंड जो जो आता है स्विच अपना, ये आता है स्लोप। एटलीस्ट ट्रू बफर सॉल्यूशंस पर जब हम काम करते हैं तो ये स्लोप का जो बटन है वो काम करता है। ये स्लोप जो है बफर सॉल्यूशन के बीच में स्लोप वेरिएशन को मेंटेन्स करके रखता है। तीसरा जो बटन आता है वो कैलिब्रेशन को होता है। आप जब बफर सॉल्यूशंस को इसे कैलिब्रेट करते हो तो इस कैलिब्रेशन बटन का उपयोग किया जाता है। अगला जो है टेम्परेचर। टेम्परेचर आज मैंडेटरी में बहुत 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 ये होता है। आप टेम्परेचर जो है किसी भी सॉल्यूशन का पीएच ज्ञात करने के लिए बहुत आवश्यक जो है होता है। इसको जो हम जनरली रूम टेम्परेचर पे रखते हैं यानी 25 डिग्री 26 डिग्री सेल्सियस जो है वो हो सकता है। देन इसके बाद में आप सैंपल में ये इलेक्ट्रोड डूब गया। अब मैं इस फंक्शन मोड को पीएच मोड पे लाऊंगा तो ये सीधा इस सैंपल की पीएच बता देगा। देखिए दोस्तों शायद आपको दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ। इस 7.68 जो है वो पढ़ रहा है। तो 7.68 इस सॉल्यूशंस की पीएच जो है वो प्रदर्शित कर रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ सवाल और कुछ सुझाव हो तो मुझे आप नीचे कमेंट्स करके बताइए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, आप शेयर करिए। और दोस्तों मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आने वाले दिनों में आपको वाटर एनालिसिस से संबंधित जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सभी पैरामीटर्स की डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा जो शायद आपको पसंद आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, वंदे मातरम।